नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उलीफोन आर्मर 12 5G वर्सेस ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो आर्मर 12 5G में 6.93 इंच जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि आर्मर 12 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो आर्मर 12 5G में 3.25 इंच जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि आर्मर 12 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो आर्मर 12 5G में 0.56 इंच जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो आर्मर 12 5G में 296 ग्राम्स जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 177 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो आर्मर 12 5G में IPS LCD जबकि रेनो 6 प्रो 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही आर्मर 12 5G में 16:9 जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो आर्मर 12 5G में 6.52 इंचेस जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन आर्मर 12 5G में 720x1600 और रेनो 6 प्रो 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आर्मर 12 5G में 70.72% जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 88.56% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो आर्मर 12 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 402 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो आर्मर 12 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और रेनो 6 प्रो 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो आर्मर 12 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और रेनो 6 प्रो 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो आर्मर 12 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और रेनो 6 प्रो 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो आर्मर 12 5G में माली G57MC2 जबकि रेनो 6 प्रो 5G में माली G77MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो आर्मर 12 5G में MediaTek Dimensity 700 और रेनो 6 प्रो 5G में MediaTek Dimensity 1200 MT6893 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो आर्मर 12 5G में अप टू 1TB जबकि रेनो 6 प्रो 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी आर्मर 12 5G में 5180mAh जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो आर्मर 12 5G में 3 कलर्स जबकि रेनो 6 प्रो 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो आम 12 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 43,200 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें रैनो 6 प्रो 5G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,680 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो पुले फोन आम 12 5G में 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में रेनो 6 प्रो 5G आगे है, मेन कैमरा में रेनो 6 प्रो 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में रेनो 6 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M51 है जो कि 18,149 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी F62 है जो कि 22,399 रुपए में मिलता है। तीसरा उलेफोन पावर आर्म 13 है जो कि 37,500 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G है जो कि 37,499 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।